नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अभिनंदन तुमचं 9वीतून 10वीत आलात। आपण युनिट 1 घेऊया। यामध्ये आधीच तुमचे क्लासेस आणि शाळा ऑनलाइन सुरू झालेले आहेत, त्यात यूट्यूबवर तुम्ही माझे बघितलेले आहेत व्हिडिओज। त्यात आपण काय केलं आहे की कविता त्याची समरी आणि त्याचप्रमाणे ऑब्जेक्टिव्स दिलेले आहे, पण ब्रीफ क्वेश्चन दिलेले नाही आहे। आणि तसेच अनेक स्टुडंटचे मला फोन येतात आहे की मॅडम हिंदी में बताओ ना, तर मी समरी हिंदीमध्ये पण एक्सप्लेन करणार आहे। सो फर्स्ट वन संतवाणी, यातला अ अंकिलामी दास तुझा। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेव यांचा अंकिलामी दास तुझा हा अभंग आहे। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी अनेक दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। हिंदी में वारकरी संप्रदाय के थोर संत कवी अंकिलामी दास तुझा इस अभंग के रचनाकार संत नामदेव जी हैं। इस अभंग में अनेक उदाहरणों के द्वारा ईश्वर से कृपा करने की मांग संत कवि नामदेव जी ने की हुई है। तो फर्स्ट वन हम लोग कविता जो है उसका रीड करेंगे, उसे उसके बाद मराठी और बाद में हिंदी। अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू, कैसा धावे माझी आकाजा, अंकिलामी दास तुझा। अग्नि माझी याने आग में, आगी मध्ये माता आई माँ कनवाळू दयाळू, ळू हा मराठी मध्ये मगर हिंदी में दयालु ल लिखना है। तैसा तसा तर या सरका इस तरह, काजा याने कार्य काम, अंकिला शरण आलेला शरण आया हुआ, दास सेवक भक्त। अभी हिंदी में जब हम उच्चार करेंगे तो ये जो बड़ा न है ये मराठी में यूज़ किया जाता है, हिंदी में न लिखते हैं। मगर आपको खाली मराठी में ही पेपर में लिखना है, आपको सुविधा होनी चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी इसका सरल अर्थ जो है वो देखो, अग्नि म्हणजे आग, आगी मध्ये बाळ पडले ते कनवाळू माता धावते, हा दृष्टांत संत नामदेवांनी दिलेला आहे। दृष्टांत याने उदाहरण, श्री विठ्ठलाला संत नामदेव विठाई म्हणजे आई समजतात, व संत नामदेव हे या विठ्ठलाचे बाळ आहे। तेव्हा या विठ्ठलरूपी मातेने आपल्या बाळाला प्रेमाने सांभाळावे हे सांगताना संत नामदेव आई आणि मूल यांचा दृष्टांत देतात। दृष्टांत म्हणजे उदाहरण। जर आगीमध्ये चुकून बाळ पडले तर दयाळू माता, दयाळू आई त्याला बाहेर काढण्यासाठी धावत जाते। त्याप्रमाणे हे विठ्ठला माझे कार्य म्हणजे काजा, समानार्थी शब्द जर विचारला तुम्हाला तिथला असं लगेच कार्य हा शब्द लिहायचा आहे, किंवा कार्याला कोणता समानार्थी शब्द आला आहे तर काजा लिहा। काजा पूर्ण करण्यासाठी तू धावत ये, मी अंकिला दास तुझा म्हणजे मी तुला शरण आलेला दास, मी शरण आलेला दास आहे, तुझ्या चरणी लीन झालेला मी तुझा भक्त आहे। आता हिंदीमध्ये आपण बघूया, इस अभंग इस रचना में आग में, अभी देखो उदाहरण दिया हुआ है, आग में गिरे हुए बच्चे को बचाने के लिए दयालु माँ दौड़े चली जाती है। इसी तरह हे भगवान, अभी भगवान यानी क्या किया है, विठू माउली, हे भगवान
मिठू माँ आप दयालु है, मैं आपका बच्चा हूँ, आप भी मुझे प्यार से इस भव सागर से बचा लो, आप भी मुझे प्यार से संभालो, आप मेरे जो कार्य है वो पूरा करने के प्रति दौड़े चले आओ। देखो कितना प्यार भरा हुआ है भगवान के प्रति, मैं आपका शरण आया हुआ दास हूँ, हे माँ मैं आपका भक्त हूँ। अभी ये हो गया समरी का, यानी पोयम का। अभी इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, वो आज मैं लेने वाली नहीं हूँ। उसके बाद दूसरा जो स्टांजा है वो कैसे है कि सवेची सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पड़ताची धरणी, भूकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे। धेनु यानी गाय है ना, गैया। अभी सवेची यानी जल्दी, सडनली लगेज, झेपावे झेप गेने उड़ते चले यानी पेड़ से उड़ते चले जमीन पे आना, पिली पिली यानी पिल्लू, धरणी जमीनी वर धरती वर पृथ्वी वर धरणी यानी धरती माता। अभी इसका अर्थ जो है कि पिल्लू धरती वर पड़ल्या बरोबर, पिल्लू धरती वर पड़ल्या बरोबर पक्षीण लगे जमीनी वर झेप घेते। भूकेले वत्सरावे धेनु है ना, भूकेले वत्सरावे धेनु हुंबरते धावे, वासरू भूकेने हंबरते हम्मा, तेव्हा त्या वासराला दूध पाजण्यासाठी गाय धाव घेते। जसं तुम्ही शाळेत नाही तर आप स्कूल से आते हो, मम्मी भूक लगी, ऐड में क्या दिखा, बस 2 मिनट बेटा, मम्मी बोलती हाँ जरा पैर वगैरह धो ले बाद में खाना खाने बैठो, है ना। अभी यहाँ पे जैसे गैया को अपने बछड़े का आवाज़ सुनाई देता है वैसे ही वो उसे दूध पिलाने के लिए चली जाती हैं, दौड़े चली जाती है। कैसे कहती है, हम्मा, जैसे आपकी मम्मी बोलती है बस तू पैर धो के हाँ मैं तुझे परोस देती हूँ, इसी तरह जैसे बछड़ा हम्मा कहता है तो गैया भी इधर से हम्मा कहते उसको दूध पिलाने चली जाती है। जसे पक्षिणे से पिल्लू झाड़ावरून जमिनीवर पड़ते तेव्हा क्षणाचाही वेळ न दवडता, थोड़ाही वेळ न लावता पक्षीण लगेच त्याच्यावर झेप घेते, त्याला वाचवण्यासाठी ती जमिनीवर झेप घेते। वासरू खूप भुकेले असते, ते हंबरत असते, तेव्हा त्याला दूध पाजण्यासाठी गाय हमरून वासराकडे जशी धाव घेते। जैसे की पंछी का पिल्ला याने बच्चा पेड़ से धरती पर गिर जाते हैं तो पंछी क्या करता है, तुरंत अपने अपने पंख को ऐसे बिछाते हुए धरती पर लपक जाती हैं। किसके लिए, अपने बच्चे को, अपने वो जो पिल्ला है उसे बचाती हैं। गाय का बछड़ा, उसे जब भूख लगती है वो हम्मा कहते आवाज लगाता है तो गैया भी उसे दूध देने के लिए दौड़े चली आती है, वो भी उधर से हम्मा कहती हैं। माँ का प्यार उसे देती है, इसी तरह है भगवान, यानी सेकंड स्टांजा में संत कवि ने क्या कहा है, कौन कौन से उदाहरण दिए हुए हैं कि जिस तरह पंछी लपक के अपने बच्चे को संभालने के लिए दौड़ती हैं, इसी तरह हे भगवान आप भी ये सागर, ये जो भव सागर है, सागर यानी बीच का एरिया नहीं है, सी नहीं है, तो ये जो संसार है उसमें मुझे बचाने के लिए भगवान आप आ जाओ। कितनी आर्तता इसमें दिखाई देती है, जैसे कि गाय और बछड़ा है ना, तो हे माँ यानी माँ कौन सी है, भगवान, इसी तरह आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखे। ऐसी भावना नहीं, श्रद्धा भगवान के प्रति संत नामदेव ने दी हुई है, किया है ऐसा, आस्था का प्रणाम उसमें दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड वन है
लास्ट में जैसे कि हिरण आपको पता है जंगल पता है, उसे रान में जैसे वनवा लगता है, मराठी में वनवा कहा जाता है ना। वनवा लागला से वनी, वनवा यानी आग लगती है, बहुत धूप जब आ जाती है तो क्या होता है कि आग लग जाती है पूरे जंगल को। तो हिरण जो है वो चिंतित हो जाती है, पाड़स यानी उसका बछड़ा। वनवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरणी, नामा मणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। वनवा यानी अग्नि, शेत यानी जो फॉर्म है ये है अपना जंगल है उसे आग लगती है, वनी यानी रान, पाड़स म्हणजे हरणीचं पिल्लू हिरण का बछड़ा, चिंतित काळजी करणे, मेघ यानी ढग, विनवितो विनंती करणे प्रार्थना करणे आळवणी करणे, है ना। तो आपको इसमें से सिंपल वर्ड क्या लेना है, प्रार्थना करणे। अभी ये करणे मराठी में हुआ है प्रार्थना करना। अभी इसमें अर्थ मराठी में पहले देखते हैं। रानात वनवा लागल्यावर पेटल्यावर आपल्या पाडसासाठी हरणी चिंतित होते। संत नामदेव म्हणतात मी चातकासारखा आहे। यहाँ पे हमने देखा है कि विनवितो चातक तैसा, म्हणजे चातक हा काय आहे, काल्पनिक पक्षी आहे, चातक काय आहे, काल्पनिक पक्षी आहे। मग आता इथे बघा, मी चातकासारखा आहे, ज्याप्रमाणे चातक पावसाच्या पाण्याविना जगू शकत नाही तसा हे परमेश्वरा मी तुझ्याविना जगू शकत नाही, अशी प्रार्थना संत नामदेव करतात। रानात आग लागली आहे, वणवा पेटलेला आहे, त्यात आपले पाडस सापडले तर नाही, अशी शंका हरिणीच्या मनात येते आणि ती व्याकुळ होऊन जाते। संत नामदेव म्हणतात हे विठ्ठला तू माझ्यावर कृपा कर, ज्याप्रमाणे चातक पक्षी पावसाच्या पाण्याविना जगू शकत नाही, हे विठ्ठला तो पाण्याने भरलेला ढगच तू आहे, मी तुझ्याविना जगू शकत नाही, माझे जीवन तू सांभाळ, या भवसागरातून तरण्यास तू माझ्यावर कृपा कर। अभी जैसे कि आपको ये जो काव्य पंक्ति दी होती है ना, तो कभी कभी हमें याद आता नहीं किस तरह, तो हम लोग इस तरह बोल यानी उसका सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है। जेव्हा वनात वणवा लागला असतो तेव्हा हरणी चिंतित होते, देखो मैंने खाली वर्ब बताया है, चिंतित होते कि आपले पाडस त्यात गेले तर नाही। नामा म्हणे संत नामदेव म्हणतात की जसा मेघ आहे, मेघाच्या पाण्याविना चातक राहू शकत नाही, तसे हे परमेश्वरा मी तुझ्याविना राहू शकत नाही। बघा किती सोपं झाले यातलं, म्हणजे तुम्हाला जर ब्रीफ क्वेश्चन आले तर या पद्धतीने तुम्ही करायचं आहे। आता याचा हिंदीतला अर्थ आपण बघूया। जंगल में वनवा लगा है, धूप काले में आग लगती है, बहुत कड़क ऐसा धूप जब आता है तो अपने आप ही आग लग जाती है। तो हिरण अपने बच्चे के प्रति चिंतित होती है, उसे लगता है कि कहीं मेरा बच्चा उस आग के झपट में तो नहीं आया। इसे सोच से वो उसे बचाने निकल पड़ती है, व्याकुल हो जाती है। इसी तरह संत कवि कहते हैं मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे कृपा की वर्षा करो,
ऐसे कहते कि जिस तरह चातक पक्षी जो है पंछी वो काल्पनिक है, चातक नाम का पंछी जो है मेघ के यानी बारिश का जो पानी है उसके बिगर जी नहीं सकता, वैसे ही मैं इस विठू माँ के बिना, ये भगवान के बिना जी नहीं सकता। हे विठू माँ, पानी भरा हुआ मेघ तू ही है मेरे लिए, मेरा जीवन आप ही संभालो, इस संसार रूपी भव सागर पार उतारने के लिए आप कृपा की वर्षा करो। ऐसी प्रार्थना संत कवि नामदेव जी भगवान से करते हैं। यानी इससे क्या पता चलता है कि भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति श्रद्धा, प्यार, ये गुण कवि के रचना में दिखाई देते हैं।